लगातार दूसरे दिन भी बिजली कटौती का असर देखने को मिला है, जिससे आम इंसान काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। वहीं नोएडा और गाजियाबाद लंबे समय से बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, कई बार बिजली के कट देखने को मिल रहे हैं। वहीं निवासियों ने खराब बुनियादी ढांचे को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल बिजली कटौती सबसे ज्यादा हो रही है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि बिजली कटौती के कारण उनका काम बाधित तो होता है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। वहीं दिल्ली का तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है और ऐसे में जब बिजली के कट लग रहे हैं तो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मेरी सहयोगी इशिका इस वक्त मेरे साथ नोएडा से जुड़ चुकी हैं। इशिका, मैं आपसे अब की स्थिति जानना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, देर रात को भी बिजली के कट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अभी नोएडा में क्या स्थिति है, कितने ज्यादा बिजली के कट लग रहे हैं? मैं इशिका से संपर्क करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उस बीच बिजली के कट लग रहे हैं लगातार, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात हो, नोएडा या गाजियाबाद, और सबसे ज्यादा जो बिजली के कट लग रहे हैं वो नोएडा और गाजियाबाद में देखने को मिल रहे हैं। ना केवल दिन में बल्कि रात में कई बार बिजली के कट लग रहे हैं, जिस वजह से लोगों को इस तपती हुई गर्मी में, इस लू में काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि नोएडा में लोग बिजली के कट से परेशान हैं। मेरी सहयोगी ईला इस वक्त गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ईला, गाजियाबाद की स्थिति आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार वहां पर बिजली के कट रहे हैं, अभी क्या स्थिति है वहां पर, क्योंकि आम लोग काफी परेशान हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल इंदर, मैं अगर बता दूं तो एनसीआर की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो नोएडा हो, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि पावर कट लंबे हो रहे हैं और कई घंटों तक की लाइट नहीं आ रही है। इस समय मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं, जहां कल रात से ही लाइट नहीं आ रही थी और आज सुबह कुछ देर पहले ही लाइट आई है। तकरीबन 8-9 घंटे इस पावर कट के बीच में लोगों को जूझना पड़ रहा है। कुछ महिलाएं यहाँ पर मेरे साथ जुड़ी हुई भी हैं, उनसे बात करते हैं कितनी देर लाइट नहीं आती, क्या समस्या क्या? लाइट तो आई नहीं रही है, सारे बच्चे, नेट नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, सारे बच्चों के काम ऐसे हो रहे हैं और ऑफिस वाले अब जब सोएंगे नहीं तो रात को सुबह ऑफिस कैसे जाएंगे टाइम से, बताइए। और इतना दिक्कत हो रही है कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इतना परेशान। अब जब रात में नहीं सोएंगे तो सुबह को टाइम से नहीं उठ पाएंगे, अब शरीर भी फिर उसी हिसाब से काम कर रहा है हमारा। आपका क्या नाम है? निमा तिवारी। कितने घंटे लाइट नहीं आई है? कल गई थी 5 घंटे, आज सुबह भी 3 घंटे गई थी, इसीलिए लाइट आई नहीं। अब किसी तो जब लाइट नहीं आती है तो क्या क्या समस्या? पानी की दिक्कत होती है, मोटर नहीं चला पाते हैं, यही दिक्कत होती है और क्या। तो आप लोग ने कम्प्लेन वगैरह की, आपका क्या नाम है? रमन मिश्रा। कम्प्लेन वगैरह की, जाकर के शिकायत दर्ज कराई? नहीं, अभी शिकायत तो नहीं कराई। अच्छा, तो क्या आप लोगों को कुछ पता चला कि क्यों लाइट जा रही थी? ये भी नहीं पता है, पर गर्मी में अक्सर ऐसा ही हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है गर्मी में। हाँ। साल ज्यादा हो रही है। इस साल ज्यादा हो रहा है और पिछले सालों में भी यही कहानी रहती है? नहीं, इतनी नहीं थी जितनी इस साल हो रही है। जितना इस साल परेशानी हो रही है उतनी परेशानी नहीं थी? नहीं जी। इंदर देखिए, जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 45 डिग्री का तापमान है एनसीआर में और जो इस साल परेशानी हो रही है वो पहले इतनी परेशानी नहीं हुआ करती थी, और इस साल कुछ ज्यादा ही ये समस्या खड़ी हो गई है लोगों के सामने कि वो इससे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई घंटों तक यहाँ पर पावर कट लगातार लग रहे हैं, बिजली नहीं आती, पानी नहीं आता, इनकार कर रही है लोगों की जिंदगी। स्थिति हमने गाजियाबाद की देखी इला, गाजियाबाद में लोग परेशान हो रहे हैं। इसका आपसे जानना चाहूंगी, नोएडा में फिलहाल क्या स्थिति है, कितने पावर कट लग रहे हैं वहां पर, कितनी बिजली गुल हो रही है और लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं? जी बिल्कुल इंद्रजीत, मैं आपको बता दूं कि नोएडा का भी हाल कुछ खासा अच्छा नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कल रात से ही लगातार जो है पावर कट्स हो रहे हैं, जिसके कारण जो पानी है उसकी भी शॉर्टेज हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं नोएडा के एक सोसाइटी से, मैं उनके पास जाऊंगी। सर, आप हमें बताइए कि खासकर इतने गर्मी के मौसम में कितना ज्यादा पावर कट्स हो रहा है?
मैडम, मेरा नाम राहुल नैयर है, मैं सेक्टर 39 RW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन है उसका सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे कल रात से तो फ्रीक्वेंटली मेरे ख्याल लाइट अगर 24 घंटे में बोले तो 3 या 4 घंटे आई है, बाकी ऑन एंड ऑफ जा रही है। लोगों के इन्वर्टर्स बिल्कुल फेल हो गए हैं, जनरेटर्स NGT ने बैन करे हुए हैं, अगर जो चला भी रहे हैं वो भी बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो बहुत ही समस्या है। इवन पानी भी, मोटर नहीं चल पाती, पानी का भी प्रेशर नहीं है। विदाउट वाटर, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, एक नोएडा जैसे शहर में होना आप समझ सकते हैं क्या बात है, जिसको एक नोएडा तो UP का शो विंडो है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउन भी है और नो पावर कट जोन भी से डिक्लेयर करा गया है, फिर भी यहाँ बावजूद उसके ये हाल है कि यहाँ पे बिल्कुल लाइफ मिजरेबल। तो ये जैसे कि आप लोगों ने बताया कि पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसके कारण पानी की भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई, लेकिन सर ये इस साल का प्रॉब्लम है नहीं, हर साल सेम प्रॉब्लम होती है, फिर भी जो होती है अथॉरिटीज फेल हो जाती है कोई ना कोई प्लान लाने के लिए और साथ ही साथ अपग्रेडेशन करने के लिए। हम लोग तो बहुत बार लिख के चुके हैं, मैं भी RW का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, यहाँ मंदिर का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हम लोग तो लिख करके देते रहते हैं, लेकिन दे नो नेवर, उन्होंने कुछ आगे करा ही नहीं है। यहाँ के जो JEEs और वो हैं इलेक्ट्रिकल के, वो सुनते ही नहीं है, उनके कानों पे जू नहीं रेंगती, हम लोग तो परेशान हैं। अब आप बताइए, इतनी गर्मी में आप 46 टेम्परेचर जा रहा है पर आपका पंखा ना चले, वो चले, आप ठीक रहेगा क्या? ये आदमी नहीं खराब होती तबीयत तो खराब हो जाए, और ये आज की नहीं है, ये हर साल की प्रॉब्लम है, गर्मियाँ आते ही ये सब शुरू हो जाता है। खासकर अगर हम बात करें समर्स में तो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर इसकी जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उसमें जब आपको ये परेशानी झेलनी पड़ रही है क्या कहना चाहेंगी और साथ साथ क्या लगता है कि क्या सलूशन होगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो पानी नहीं, पानी यहाँ का वैसे ही ख़राब है, और अगर RO नहीं चल रहा आपका तो आप कहाँ से पानी पिएंगे? बाज़ार से खरीदेंगे, और बाज़ार से भी कितना खरीद लेंगे? I mean पानी तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आपको पानी नहीं मिलेगा, आपके घर के सारे काम पड़े रहेंगे, आप समझ रहे हैं, जब पानी ही नहीं है तो क्या काम करोगे आप? तो बेसिक प्रॉब्लम जो हम घर में महसूस करते हैं वो तो वाटर, अब बाकी गर्मी है, ऑफ कोर्स सबको गर्मी लगती है, कैसे रहेंगे, ये सब तो है। अथॉरिटी से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, क्या लगता है कि क्या सलूशन है? गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस बारे में कि हाँ इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, सबके लिए मुश्किल है, तो हर एक के घर में इन्वर्टर भी नहीं है, लेकिन पंखा तो चल रहा होता है, वो लाइट नहीं है, इन्वर्टर बंद हो जाते हैं सारे, तो गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए। जी बिल्कुल इंद्रजीत, तो आपने सुना कि ये यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो लगातार ये कह रहे थे कि पानी का जो सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, पावर कट्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो नोएडा में है रोज़ यहाँ पर रहना भी इनके लिए एक मुसीबत साबित हो रही है। जी जी बिल्कुल, तो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, ना केवल बिजली कट से बल्कि उसकी वजह से जो आगे समस्याएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से अब पानी की समस्या भी कुछ क्षेत्रों में नोएडा में लोगों को आने लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया इशिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और रीला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने अपने दर्शकों तक पहुँचाया किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे किस तरीके से बिजली की कटौती अभी भी जारी है। हालांकि कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अथॉरिटीज को भी लिखा है, लेकिन वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो लोगों की समस्या का हल क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। और अब आगे